तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का दंगल देख रहे हैं आप जनता टीवी पर, और जनता टीवी के आपसे अभी लभी नहीं तो फिर 5 साल बिल्कुल भी नहीं। वोट कास्ट करना है और पहले मतदान करना, उसके बाद जलपान करना। देखिए सुबह उठने का समय हो गया है और सुबह उठते उठते महादान नहीं किया, महापर्व में शरीक नहीं हुए, फिर क्या किया। होली दिवाली की साल में एक बार आता है, लेकिन ये मतदान का महापर्व है जो 5 साल में एक बार आता है और आपके सूबे के भविष्य को लिख कर जाता है। तो इस भविष्य में अपनी भागीदारी दीजिए, उनके में सियाने लगाइए और इस शाही से अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का इतिहास लिखिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूपी छठे चरण के लिए मतदान चल रहा है। 10 जिलों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा। छठा चरण जो कि अब पूरी तरीके से पूर्वांचल आधारित हो गया है, चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में अब केवल छठे और सातवें चरणों का मतदान बचा हुआ है। आज छठे चरणों के लिए मतदान हो रहा है, इसके बाद सातवां चरण होगा, वो भी पूरी तरीके से पूर्वांचल बेस्ड है। इसके बाद 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजे हम तमाम लोगों के सामने होंगे। छठे चरण के मतदान में यूपी की 57 सीटों पर वोटिंग जारी। जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो बलिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर शामिल है। छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ यानी कि गोरखपुर, जहां से वो हमेशा से सांसद रहे हैं, इस बार पहली बार विधायकी के रास्ते विधानसभा पहुंचने की तैयारी है। और विधायकी के लिए कौन सी सीट चुनी गई है? चुनी गई है गोरखपुर शहर सीट, जहां से योगी आदित्यनाथ ने सुबह 7 बजे ही वोट भी कास्ट कर दिया है। और अगर पूरे गोरखपुर की बात कर ली जाए तो गोरखपुर में बहुत सी इंपॉर्टेंट सीट्स आती है, जिसमें से कैंपियरगंज है, गोरखपुर शहर है, गोरखपुर ग्रामीण है, सहजनुरा है, खचनी है, चौरी चौरा, गांव चिल्लू पार्क, ये तमाम सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें बनी हुई है। इस वजह से नजरें बनी हुई है क्योंकि गढ़ है गोरखपुर योगी आदित्यनाथ। देखिए साख जेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की भी दांव पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कई सीटों पर जनसभाएं करी हैं, लोगों से अपील करी है कि बीजेपी के पक्ष में वोट कास्ट करें। और अगर 2017 के आंकड़ों को आप देखेंगे, नजर डालेंगे, समझ में आएगा कि से बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई थी 57 से, तो इस बार बड़ा चैलेंज है। मायावती का ट्वीट आपको दिखाएंगे, मायावती क्या कह रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए आज यूपी के 57 सीटों पर वोटिंग है, ये कहना है मायावती का। बीएसपी बनाना सुनिश्चित करें, मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार की पक्षधर हमेशा से रही है। और वही राग दोहराया है, रोजी रोजगार युक्त अच्छे दिन के लिए, ये मायावती का कहना है। और देखिए तो पूर्वांचल का गणित समझेंगे ना, उसमें बीएसपी जो है दलित वोटर्स उनके हमेशा से ही कोर वोटर्स रहे, जो पूर्वांचल में कुछ हद तक प्रभावी है, कुछ हद तक अहम रोल अदा करते हैं। यानी कि वो जो सीटें हैं वो हमेशा से बीएसपी के खाते में जाती रही है। फिर इसके अलावा सुभाषपा की अगर बात कर ली जाए तो सुभाषपा भी रही है, साथ में निषाद पार्टी का भी अपना वर्चस्व पूर्वांचल क्षेत्र में देखने को मिलता रहा है। तो ऐसे में जो सहयोगी दल है उनकी प्रतिष्ठा भी इसी चरण में, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। देखिए पूर्वांचल के अंदर सबसे ज्यादा अगर निर्णायक भूमिका के अंदर कोई वोटर्स हैं तो वो है दलित, ओबीसी, ब्राह्मण वोटर्स सबसे ज्यादा निर्णायक हैं। तो मुस्लिम वोटर्स भी जिलों में अहम फैक्टर माने जाते हैं। दलित मतदाता करीब 22 से 25% इनका फ्लक्चुएशन है। ओबीसी समुदाय में यादव सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इस बीच अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर, अम्बेडकर नगर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आलापुर विधानसभा की बूथ संख्या 340 पर मशीन खराब हुई है, अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ। सोचिए 9 बजने की तरफ
चुनाव आयोग कहता है 5 से 6 बजे आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा टाइम फायदा क्या भाई का, अगर आप 2 घंटे तो चुनाव ही नहीं शुरू करवा पा रहे हैं तो। ईवीएम मशीन खराब हो गई, 340 संख्या आपको बता रहे हैं, आलमपुर अम्बेडकर नगर। सपा ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी करी है। इसमें और खास बात है कि छठे चरण में कई कद्दावर नेता इस बार मैदान में, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं। कल पहले आपकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और हम देख भी रहे तस्वीरों में गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं। कैसे देखते हैं, कैसे क्या जो समीकरण बताए गए क्या वो वही सच था? वीडियो आए हमने देखा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शादी मार की गई, क्या कहना चाहिए? देखिए सरकार का अंतिम निर्णय हमारे साथ तरीके से ये लोग दुबौली के गांव में पहले से एक घर में लाठी डंडा सब कुछ रखे थे और वहां से झुंड में सारे लोग अपने अपने हाथों में लाठियां हाथियां डंडे कट्टे लोहे की सरिया लेकर के पिस्टल लहराते हुए हमारे काफिले पे धावा बोला। आगे की 3-4 गाड़ियां निकल गई थी, जैसे मेरी गाड़ी पहुंची उन्होंने सोचा कि मोरे जी किसी में होंगे, ये तो संजोग था कि मैं उस दिन अपने मित्र की गाड़ी में अपनी गाड़ी की आगे चलने वाली गाड़ी में बैठ गया, मैं नहीं था। मेरी गाड़ी और मेरी गाड़ी के पीछे जितनी भी गाड़ियां थी सब बुरी तरीके जो हालात मेरी गाड़ी का है से हाथी से पीट लाठी केवल शीशा पात पड़ा, जो भी गाड़ियों में बैठे थे उनको बुरी तरह मारा, किसी का सिर फटा, किसी का बोट फटा, किसी के दांत टूटे, किसी का कान फटा, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी के पैर में चोट आई, किसी की पीठ में चोट आई। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाक था, कोई इतना शर्मनाक था, इतना शर्मनाक था, शायद मैं इस गाड़ी में होता तो आज मैं आपसे बात करने लायक नहीं होता। दोनों तरफ से मुकदमा लिखा गया लेकिन बाद में देखिए अब हमने जो एफआईआर का भी अपने बचाव में क्रास केस कराना आई सत्ता पक्ष के सत्ता का दबाव भी है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वो उनकी एफआईआर ना लिखे, बिना चोट के उनका फिल बन गया, हमारे लोगों में चोट लगा तो उसको सामान दिखा दिया, तो उनका चोट भी नहीं है तो हमसे ज्यादा धारा में वो चोट दिखा दिया। इस तरीके से गुंडा राज हद थी, चरम था, जिसको केवल कृषि नगर के लोगों ने नहीं पूरे प्रदेश देश और विदेश के लोगों ने भी समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से देखा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गुंडा गर्दी पर उतारू है, क्योंकि पूर्व के पंचायत में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। अंतिम 2 चरणों में ये निचता की किसी हद तक जाकर के चुनाव को अपने पक्ष में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। बेटे को भी उठा लिया गया, आपको गिरफ्तार किया गया, थाने में रखा गया, क्या वजह बताएगा पैसे से बांट वो पैसा अगर बढ़ता होता मिलता कि पुलिस छोड़ती क्या, वो तो केवल बस्ता ना बांट पाए, कार्यकर्ताओं से मिल ना पाए, इसलिए टाइम करने के लिए उसको रात में देर तक बैठाए गए और साथ ही शाम अकारण भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के दबाव में डीएमएसपी गुलाम की तरह काम कर रहे हैं, कानून और मर्यादा नाम कोई चीज नहीं रह गई है, आईएएस आईपीएस अपनी गरिमा के विपरीत काम जैसे जुड़ी करने में लगे हुए हैं। भी आज चुनाव है सीट पे ही आप ही गोरखपुर 80% का उन्होंने एक नारा किया था, लेकिन जब आपने समाजवादी उस समीकरण फिलहाल फाजिल नगर के कारण कराते हैं आप। देखिए 80-20 का था देश के घातक, ये ना 80 के हैं ना 20 के हैं, इस स्थिति की बात करते हैं उसी अस्थि में 25% दलित है जिसके आरक्षण को अधिकार की तरह निगल लिया, इनसे पूछा था क्या वो दलित हिंदू नहीं है क्या, 55% पिछड़ा है क्या वो हिंदू नहीं है क्या, उसके आरक्षण पर निकाल दिया। तो अगर ये हिंदू मानते तो दलित आरक्षण एक ही 20 क्यों,
क्या मुस्लिम समाज का इस देश के आजादी में कोई योगदान नहीं है? अगर इस देश की आजादी के लिए सरदार भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल फांसी तख्ते के चूमे इन्हीं के बगल में खड़ा होकर अशफाकुल्ला खान भी देश की आजादी के लिए फांसी तख्ते को चूमा था। शायद योगी और मोदी जी के बाप दादा को नहीं अता पता नहीं था, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के कई दर्जन टैंक कतराती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, तो इनके बाप दादा को नहीं अता पता नहीं था। उस समय भी पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को तोड़कर किसी ने वो भी जिसके से जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए देश के आंदोलन की है देश के बंटवारे के लिए चीज था। 80 किनारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाईचारे कल्याण करता, हिंदू 80-20 किनारा इंसानियत के कल्याण बना रहा। आप जानते हैं हमारी तहजीब जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, जैसे हिंदू के यहाँ दिवाली और होती है समाज के लोग आते हैं गले मिलते हैं और मुसलमानों के यहाँ अगर ईद और बकरीद होती है हिंदू समाज के लोग जाते हैं गले मिलते हैं और सेवैया खाते हैं। तो ये आज हमारे भाईचारे को करना चाहते अपने स्वार्थ के लिए उनकी राजनीति के लिए सत्ता के लिए ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर खून खराबा करके हिंदू मुस्लिम के दंगे और हिंदू मुस्लिम की लाश पर अपनी राजनीति को करना चाहते हैं, ये नहीं होने पाएगा। एक आखिरी सवाल है, 20 सर्जी के बयान आए पहले फिर उसके बाद बुलडोजर आशीर्वाद लेटिंग कर हुआ है कर्नाटक का, अब बुलडोजर चलेगा जो योगी राज का घमंड है और गर्मी उतरेगी उत्तर प्रदेश की जनता सुमार के जब प्रणाम आएगा तो योगी गर्मी उतार देगी और समाज के बाद गर्मी दूसरों को उतरने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उतरने वाली फिलहाल ये तस्वीरें हैं। गाड़ी है कांकरण पे हमला हुआ था और इसी गाड़ी के काफिले में शामिल थे, लेकिन उनका कहना है कि वो दूसरी गाड़ी होने की वजह से फिलहाल बच गए थे, लेकिन अभी देखना होगा कि अगर जनता है वो आखिर अपने समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता है इलियास अंसारी जो अब बसपा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में उनको पर समर्थन देती है या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल है उनको साथ देती है। कैमरा पर्सन साथ फखर हुई जनता टीवी। तो योगी आदित्यनाथ ने वोट कास्ट कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। स्वामी प्रसाद मौर्य जो काफी ज्यादा उत्साहित है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमेशा से ही पटवाना से चुनाव लड़ते रहे, इस बार उन्होंने अपनी सीट रजिस्ट्रेशन किया है और बड़ौना से पहुंच गए हैं फाजिलनगर की भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि मौर्य वोटर्स वहां पर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बाहर हम बाहरी को वोट कास्ट करें, लेकिन फिलहाल जो समीकरण बन रहे थे हुए हादसे के बाद ज्यादा चेंज नजर आते हैं। यहाँ से इलियास अंसारी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को टक्कर दे रहे हैं, साथ में सुरेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा वोट बैंक भी इस क्षेत्र में अच्छा असर रखता है, अच्छा प्रभाव रखता है। सुनील उर्फ मनोज सिंह को यहाँ से कांग्रेस ने उतारा है चुनावी रण। तुमको ही राज की अगर बात कर ली जाए तो राज भी कुशीनगर क्षेत्र में बेहद इंपोर्टेंट सीट, जहां से अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में तौकीर किदवई कुशीनगर से जुड़े हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बातचीत कर रहे थे आपने सुना उनको, और साथ में हमारे साथ कुलदीप जुड़े हुए हैं अंबेडकर नगर से, उनसे भी बातचीत करेंगे। श्वेता मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, उनसे भी बातचीत करेंगे। विपिन बलरामपुर सिंह हमारे साथ में लगातार विपिन सिंह जुड़े हुए हैं, बलरामपुर का भी क्या समीकरण है वो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे न्यूज रूम जहाँ पर श्वेता मेरी सहयोगी मौजूद है। श्वेता, स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ की गर्मी निकालने का काम जनता करेगी, लेकिन अगर हम गोरखपुर गढ़ की बात कर लें
जो योगी आदित्यनाथ का हमेशा से ही गढ़ रहा है, जहां से वो सांसद रहे, सबसे कम सांसद योगी आदित्यनाथ, लेकिन उन्होंने विधायकी के रास्ते विधानसभा चुनने का तय किया है, पहुंचने का रास्ता है वो तय किया है। क्या लगता है मौजूदा समीकरण गोरखपुर के आपको कितने समझ में आ रहे हैं, और क्या लगता है कि मौजूदा हालात क्या बने? तो गोरखपुर जिला ऐसा गढ़ रहा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान है, और सांप जो है खास तौर से लगी हुई है। अब देखा था सुबह 7:04 का वो वक्त था पूजा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दैनिक दिनचर्या जैसे कि वो रखते हैं करते हैं पूजन अर्चन के साथ उनकी शुरुआत हुई। गौशाला वो गए, वहां पर उन्होंने गायों को चारा खिलाया, उसके बाद प्राथमिक कन्याशाला स्कूल वहां पहुंचे और खास तौर से वोटिंग भी उन्होंने की है। उसके बाद जब मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कहते हुए नजर आए कि खास तौर से वोट जो है वो जरूर करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि संवैधानिक अधिकार यही कहता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि संवैधानिक अधिकार यही कहता है कि जनता अपने जो है लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है तो उसमें अपना वोट जरूर करें। उसके बाद वो खास तौर से निशाना साधते हुए भी नजर आए थे। उसके बाद अगर हम गोरखपुर जिला की बात करें पूरा, तो खास तौर से यहाँ पे कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक है और जहां से चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री खुद उतर रहे, उनके दर्जनों समर्थक इस समय चुनावी मैदान में हैं, तो यहां पर अगर खास तौर से साख जमीन की बात करें तो वो पुलिस नजर नहीं आती है। बीजेपी खास तौर से इस वक्त आश्वस्त भी नजर आ रही है। 1989 की अगर हम बात करें तो वो रिजल्ट दिखे दो बार का विधानसभा चुनाव का, तो 50% जो वोट है वो बीजेपी के पाले में गए थे, और 1977 की अगर हम बात करते हैं तो चार बार ही ऐसा रहा होगा कि गैर भाजपाई समय जीता होगा। तो खास तौर से बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है गोरखपुर, क्योंकि तमाम ऐसे जिले जो जुड़े हुए अंबेडकर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, ऐसे तमाम जिले हैं जो सियासत यहाँ से तय होती है कि क्या कुछ होगा। हालांकि तस्वीरें खास तौर से साफ बयां कर रही हैं कि क्या कुछ हालात बनते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, 10 मार्च के सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी, लेकिन अभी हालात इस वक्त यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी लगातार आश्वस्त है गोरखपुर के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से अपनी जमीन देखिए, पहले जब हम बातचीत कर रहे थे और शर्मा में जब हमारा फोकस था मथुरा आया, अयोध्या आया, तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि इन सीटों से चुनाव लड़े, मथुरा चले जाए या अयोध्या चले जाए, और सबके डिस्कशन से निकल जा रहे थे। लेकिन आखिरी में इस तरीके का समीकरणों का तालमेल या सुरक्षित समीकरण जहाँ के समझ में आए वो सीट निकली गोरखपुर शहर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ राधा मोहन अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की सीट पर हंसते हंसते अपनी सीट योगी आदित्यनाथ को वो सीट थी। हाँ, समीकरण तब थोड़े चेंज हो सकते थे, सब राधा मोहन अग्रवाल जो है वो ऑपोजिशन में आ जाते बीजेपी के, लेकिन हालांकि वो आए वो पक्ष में आ गए, उनसे क्या कमिटमेंट किया गया ये किसी को नहीं पता है, लेकिन फिलहाल वो पक्ष में है भाजपा के और योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ते हैं और समीकरण जो है वो सुरक्षित भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। विपिन करेंगे, विपिन बलरामपुर से जुड़े हमारे साथ में। विपिन, आपसे मैं समझना चाहूंगी बलरामपुर के मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि तुलसीपुर की अगर बात कर ली जाए तो तुलसीपुर से अच्छा खासा कनेक्शन योगी आदित्यनाथ का हमेशा से रहा है। उतरौला, बलरामपुर सदर की बात कर ली जाए, गैसड़ी, ये जो तमाम क्षेत्र है यहाँ के समीकरण क्या कहते नजर आ रहे हैं, किसके लिए बीजेपी सपा या अन्य दल के लिए मुकाबला? सबसे पहले बताना चाह रहे हैं कि बलरामपुर के बारे में, यहाँ चार विधानसभा है, तो चारों विधानसभा में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार लगाया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चारों विधानसभा में समाजवादी पार्टी और बसपा कभी टक्कर दे रही है, कहीं कहीं जगह पे समाजवादी टक्कर दे रही है तो कहीं कहीं बसपा भी टक्कर दे रही है। अब आपको सबसे पहले मतदान का केंद्र तस्वीर दिखाते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ से लोग लालायित है मतदान करने के लिए, भारी संख्या में लोग पार्टी में हुए हैं। आप देख सकते हैं आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया, सेल्फी पॉइंट भी लगा हुआ है और यहाँ पे बैलून लगाया गया, नजारा यहाँ पे आप देख किस तरह से लोग लाइन में खड़े हुए हैं और किस तरह से लाइन दिखाते हैं आपको, लंबी कतार लगी हुई है। अब आपको बताते हैं बलरामपुर जिले के बारे में, बलरामपुर जिले में जहाँ की बात करें, अगर हम मौजूदा सदर की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति परशुराम जी है जो की यहाँ पे उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जगमोहन पासवान जो की उनको कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। अगर बात करें तुलसीपुर विधानसभा की, तुलसीपुर कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि जो सांसद रिजवान जैसे उनकी जेबा रिजवान जो की खेल से चुनाव लड़ रही है, वो विधानसभा काफी सरकार से बनी हुई है। आप अगर बात की तो गैस
विधानसभा भी वहां से डॉक्टर प्रसाद यादव जो कि आईटी से है, नरेश कुमार उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाजपा से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बलरामपुर में समाजवादी पार्टी और भाजपा की कड़ी टक्कर होती दिख रही है। अगर करें यहाँ के विकास के बारे में मुद्दे तो ये बलरामपुर का पिछड़ा जिला माना जाता है, विकास में ये बहुत पिछड़ा है, हर बार सरकारें बनती है विकास जो पड़े रहते हैं यहाँ पे लोगों का। ये ठीक है, आपके पास में वापस से आऊंगी विपिन, और जब मैं वापस आऊंगी आपके पास तो उस क्षेत्र में वोटर्स हैं उनका किस तरीके का समीकरण बनता है और बाहुल्यता किसकी है उसके आधार पर हम समीकरण चर्चा करेंगे। अम्बेडकर नगर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता कुलदीप तिवारी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, मैं आपसे समझूंगी कटेही के समीकरण और अकबरपुर मेनली फोकस मेरा इन दोनों सीटों पर है, लेकिन आप समीकरण सभा जो तमाम सीटें हैं उनको भी बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो दलित वोटर्स हो या फिर ब्राह्मण वोटर्स हो, हर कोई अपनी एक अहम भूमिका रखता है और अंबेडकर नगर में इनका क्या प्रभाव नजर आ रहा है? देखिए, ये अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे अकबरपुर विधानसभा की बात अगर हम करें तो यहाँ से सपा से राम अचल अकबर जी है और भाजपा से धर्मराज निषाद जी है और बसपा से चंद्रकांत वर्मा जी हैं। जहां तक यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये दोनों धर्मराज निषाद जी तो भाजपा से हैं और रामचंद्र राजभर ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ से यही माना जा रहा है कि इन दोनों में टक्कर है। बसपा भी अपने जीत की दावे कर रही है, और कटेरी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे लालजी परमार जो पूर्व मंत्री ये भी रह चुके हैं, जो सपा के प्रत्याशी है कटेरी विधानसभा क्षेत्र के, और अवधेश द्विवेदी जो भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी है, इनमें यहाँ से कटेरी विधानसभा से टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि बसपा को देखा जाए तो यहाँ के प्रतीक पांडे हैं वो भी अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कटेरी विधानसभा में लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा में मानी जा रही है। ठीक है, निषाद पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी है वो सीट से उतारा है, तो क्या निषादों का यहाँ पर वर्चस्व नजर आता है क्या? कुल जी यहाँ पे निषादों का लगभग 20,000 वोट है कटेरी विधानसभा में, जो चलिए भाजपा प्रत्याशी को लगातार वो लोग करने के लिए इधर उधर जनसभाएं भी कर रहे थे, और यहाँ पे भाजपा और सपा को लेकर लड़ाई है तो आप देखा जा सकता है, क्योंकि लाल वर्मा पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अवधेश द्विवेदी भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी से प्रत्याशी उतारे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भाजपा और सपा में लड़ाई है कटेरी विधानसभा से। पूछा भाजपा और सपा में लड़ाई है ये कहना है दीप का, लालजी वर्मा जो बागी हुए और बागी होने के बाद सपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो समीकरण है वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। टांडा सीट की अगर मैं बात करूँ, कपिल देव वर्मा, रामजी वर्मा, शबाना खातून यहाँ से चुनावी रण में है, मेहराजुद्दीन भी यहाँ से चुनावी रण में है जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। टांडा का क्या कुछ, आलापुर से भी कुछ खबरें सामने आई थी, आलापुर इसके बाद आऊंगी, टांडा का समीकरण नजर आता है? टांडा जो है वो उसके लिए बहुत मशहूर है, जहाँ पे मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहाँ पे 1,00,000 मुस्लिम वोटर है। यहाँ पे देखा जा रहा है क्योंकि दोस्तों वर्मा प्रत्याशी के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं सपा से राममूर्ति वर्मा और भाजपा से कपिल देव वर्मा जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, यहाँ पे भी लड़ाई भाजपा और सपा में माना जाता है, लेकिन कहीं पे ये भी आस लगाया जा रहा है जो शबाना खातून है बसपा के प्रत्याशी टांडा से है, तो भी लेकर ये लगाया जा रहा है कि बसपा भी यहाँ से कमजोर नहीं है। बसपा यहाँ से कमजोर नहीं है ऐसा कहना है हमारे संवाददाता कुलदीप का, और अगर इन सीटों की बात की जाए तो बसपा को 4 सीटों पर जीत मिली, उनमें अम्बेडकर नगर की 3 सीटें आती हैं। अम्बेडकर नगर हमेशा बसपा का गढ़ रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की कोशिश है कि बसपा के गढ़ में सेंध मारी की जा सके, लेकिन उसके बावजूद बसपा अपनी जीत से आश्वस्त नजर आती है। वक्त यहाँ पर एक बड़ी खबर का है, बड़ी खबर अहम जानकारी मल्या से सामने आ रही, मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मतदान किया है, पेपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र तिवारी और उन्होंने मतदान कास्ट किया है, अपना वोट कास्ट कर दिया है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए, पिपाना की तस्वीरें हैं,
जहां पर उपेंद्र तिवारी ने वोट कास्ट किया है, कुशीनगर के डीएम ने भी वोट कास्ट किया है, और जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, जब ये तो आप क्यों नहीं। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, लोकतंत्र की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि इसमें चाहे कितना भी बड़ा वीआईपी हो और चाहे कितना भी बड़ा सामान्य व्यक्ति हो, वो दोनों ही नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जितनी इम्पोर्टेंस उनके वोट की है उतनी ही इम्पोर्टेंस आपके वोट की है, और इन दोनों के वोट से बराबर की चोट आएगी। सोचिए वोट की चोट देनी है कि नहीं देनी, और वोट की चोट कैसे देंगे जब आप उंगली पर स्याही लगाएंगे, स्याही उंगली इतिहास किसका लिखा जाएगा, आपके क्षेत्र आपके सूबे का इतिहास लिखा जाएगा। तो 5 साल का महापर्व है, मतदान का, लोकतंत्र का पर्व।